हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। सो आई एम दिनेश जावेद, योर केमिस्ट्री फिजिक्स टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद केमिस्ट्री फिजिक्स। तो बाबा, आज हम चलते हैं क्लास इंटर की फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है। इंशाल्लाह बाकी दो लेक्चर्स में जो चैप्टर है कम्प्लीट हो जाएगा। तो आवर टुडेज टॉपिक इज द कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। व्हाट? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। हमारा आज का जो बाबा टॉपिक है वो है कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? देखिए, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस स्टोर करने के लिए काम आती है। चार्जेस को हम इसमें स्टोर करते हैं और उसके बाद इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। आई बात समझ में? तो उसको आप बोलते हैं कैपेसिटर। देखें, कुछ बैटरीज में जो होती है ना कैपेसिटर यूज होते हैं, फैन होते हैं उनमें भी कैपेसिटर यूज होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो बहुत सी होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस चलती हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर होते हैं। आई बात समझ में? तो कैपेसिटर की हम डेफिनेशन वहां लिख लेते हैं। A device which is used to store the charges। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है बाबा जो चार्जेस स्टोर करने के लिए काम आती है, इसको आप बोलते हैं कैपेसिटर। A कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store charges, that is called कैपेसिटर। आई बात समझ में? तो आप लिखेंगे, सपोज करें ये मैं कोई भी कैपेसिटर लिख लेता हूं। कैपेसिटर होगा होता है ना, उसके दोनों जो होते हैं इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, ये इक्वल होते हैं कैपेसिटर में, इक्वल होते हैं। अब ये क्या, दिस इज लाइक ए कैपेसिटर, इट्स अ स्मॉल कैपेसिटर, और ये क्या करेगा, Q को स्टोर करेगा। मींस के Q स्टोर मींस के नंबर ऑफ चार्जेस ये स्टोर करेगा। दिस स्टोर द नंबर ऑफ चार्जेस, ये नंबर ऑफ चार्जेस को अगर स्टोर करता है तो आप इसको बोलेंगे दिस इज द कैपेसिटर। दिस इज द कैपेसिटर और ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है बाबा। ये कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसको आप बोलते हैं कैपेसिटर। अब देखें ना, हर डिवाइस तो एक जैसी चार्जेस स्टोर नहीं कर सकेगी ना, इसका कोई सर कनेक्शन तो होगा। इट मीन्स के हर डिवाइस एक डिवाइस से मुख्तलिफ चार्जेस स्टोर कर सकती है। हर डिवाइस की एक डिवाइस की से मुख्तलिफ एबिलिटी होती है चार्जेस स्टोर करने की बाबा। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो चार्जेस होती है ना, नंबर ऑफ चार्जेस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मींस के जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस होंगी। जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज। इट मींस के Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, द इज द हाई वोल्टेज, अगर वोल्टेज आपकी हाई होगी द मोर नंबर ऑफ चार्जेस स्टोर, द मोर नंबर ऑफ चार्जेस स्टोर। जितनी आपकी वोल्टेज ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ चार्जेस भी ज्यादा ही स्टोर होगी। बात समझ में? तो Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V। अब हम एक इक्वेशन राइट करते हैं, इंटरेस्टिंग इक्वेशन। Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है V से, और प्रोपोर्शनलिटी अगर हम खत्म करते हैं तो बाबा क्या लाते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं C को ले आता हूँ, कांस्टेंट इज इक्वल टू V, Q इज इक्वल टू CV, C Q इज इक्वल टू CV, C इज कॉल्ड कांस्टेंट। सर ये C क्या है? C इज कॉल्ड कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। किसकी कैपेसिटेंस? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होती है कि किसी भी कैपेसिटर में कितनी एबिलिटी है चार्जेस स्टोर करने की। किसी भी कैपेसिटर में
जो एबिलिटी होगी चार्ज स्टोर करने की आप उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बाबा देखे ना, एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर से जाहिर बात है चेंज ही होगा। एक कैपेसिटर जो है दूसरे कैपेसिटर से, मीन्स के लेते हैं बैटरी का कैपेसिटर, फैन का कैपेसिटर, दूसरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का कैपेसिटर, तो उनके चार्ज स्टोर करने का नंबर भी क्या होगा, चेंज। एक अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, दूसरे का। जैसे कि सपोज करें अगर हम इंसानों को एज ए कैपेसिटर समझें, तो कोई इंसान जो है वो थोड़ा खाना जो है कुछ अलग खाता है, दूसरा इंसान कुछ अलग खाता है, तीसरा इंसान तो जाहिर सी बात है अलग खाता होगा ना, सेम तो नहीं होगा। तो मीन्स के अगर मैं कुछ अलग खाता हूँ तो मेरी कैपेसिटेंस जो होगी खाने को हम चार्जेस कंसिडर कर देते हैं, मैं जो हूँ मेरी कैपेसिटेंस अलग है, दूसरा जो होगा उसकी कैपेसिटेंस अलग है, तीसरा जो होगा उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, डिफरेंस होगी। सो क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी को आप बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आई बात समझ में, इसको आप नोट कर लें। सो अब हम सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो आप बोलेंगे सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, उसको आप बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। ठीक है, व्हाट इज कैपेसिटेंस सर? कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस, टू स्टोर चार्ज मीन्स के कैपेसिटर की जो एबिलिटी है चार्जेस स्टोर करने की आप उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, तो क्यू इज इक्वल टू सी। अगर आप वी फाइंड करना चाहें वोल्टेज, तो हो जाएगा क्यू अपान सी। क्या हो जाएगा बाबा? क्यू अपान सी। आई बात समझ में? दिस इक्वेशन वुड बी फॉर द वोल्टेज, फॉर फाइंडिंग द वोल्टेज। और अगर हम सी फाइंड करना चाहते हैं, अगर हम सी फाइंड करना चाहते हैं तो हो जाएगा क्यू अपान डी, सी इज इक्वल टू क्यू अपान डी। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो लिखते हैं कि कैपेसिटेंस का यूनिट, बाबा आपने पढ़ा है कि सी इज इक्वल टू क्यू अपान डी, और आपको पता है कि क्यू का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। और वोल्टेज का, वी का वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, मीन्स के कूलम पर वोल्ट। इस कूलम पर वोल्ट को आप बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं? फैरेड, मीन्स के कूलम पर वोल्ट बराबर होता है किसके? फैरेड के। तो इसका जो यूनिट है फैरेड, ऐसा यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड, कैपेसिटेंस इज फेरेड, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड। और फेरेड एक बड़ा यूनिट है बाबा, फेरेड इज अ लार्जर यूनिट। फेरेड जो होता है वो लार्जर यूनिट होता है, फेरेड इज अ लार्जर यूनिट। फेरेड लार्जर यूनिट होता है, इसकी वजह से हम जो फेरेड है उसको डायरेक्ट नहीं लिखते, उसके मल्टीपल्स यूज करते हैं प्रीफिक्स में, जैसे मिली फेरेट का वैल्यू क्या होगा? 10^-3 एफ। और माइक्रो फेरेट हम यूज कर सकते हैं, माइक्रो फेरेट 10^-6 एफ, क्योंकि फेरेट एक लार्ज यूनिट है तो हम उसके मल्टीपल्स यूज करते हैं। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस एक एबिलिटी होती है टू स्टोर द चार्जेस, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, दैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, उसका ऐसा यूनिट है फैरेड। और उसके बाद कैपेसिटर खुद क्या होता है? द डिवाइस, अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, एंड द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। इसको आप लिख लिया तो हम रेडियस के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होगी वो हम पढ़ते हैं।
तो जैसे कि हमने ये इक्वेशन भी पढ़ी, तो अब हम एक दूसरी इक्वेशन कैपेसिटेंस की ड्राइव करते हैं जो रेडियस के हवाले से है कि कैपेसिटेंस बराबर होता है Q अपॉन V के। और उस दिन मैंने आपको वोल्टेज में पढ़ाया था कि V बराबर होता है KQ अपॉन R के। किसके बापा? KQ अपॉन R के। और अगर हम K का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो वो होता है 1/4 πε0 Q/R, 1/4 πε0 Q/R। तो ये V की जगह पे अगर हम इसका वैल्यू रख लें तो कैसे हो जाएगा? C = Q/1 Q/4 πε0 × क्या हो जाएगा? Q/R। ठीक है, तो KQ/R होता है। और अगर आप क्यू क्यू में हो जाएगा आप कैंसिल, और इसको ऊपर ले जाएंगे डिवाइड तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये भी डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं आप इसको 1/4 πε0 × R। और उसके बाद अगर 1 ऊपर उसको आप लेके आएंगे, सॉरी 1/4 πε0 × R। ठीक है, तो इससे डिवाइड होता है ये, इसको आप ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में 4πε0 × R। ये कैपेसिटेंस जो है वो बराबर हो जाएगी 4πε0 × R के। आई बात समझ में? कि कैपेसिटेंस की ये इक्वेशन हो सकती है जब आपको रेडियस मिला है, इससे ज्यादा होता है। देखें कैपेसिटेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, 4πε0 तो ये कांस्टेंट है, लेकिन R से मींस के एज द रेडियस, एज द रेडियस आर द डिस्टेंस बिटवीन, आर द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, अगर प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा, द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। और कैपेसिटेंस भी क्या होगी बाबा? इंक्रीज होगी। आई बस मैंने, तो कैपेसिटेंस हमारी इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर रेडियस ज्यादा होगा तो एरिया भी ज्यादा होगा। अब एरिया ज्यादा हो गया है तो प्लेट्स जो हैं वो उनकी रेडियस या एरिया ज्यादा है तो उनमें एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी चार्ज स्टोर करने की। आई बात समझ में? तो यह था हमारा आज का लेक्चर कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर पे। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। आई बात समझ में? सो दैट्स ऑल।